Hello friends, welcome to my channel Nature Desires. Today we'll talk about the alminium plant, which is also known as Pilea. These plants are evergreens which have a small insignificant flowers and grow from 6 to 12 inches in height. ये बहुत ही easy to grow plant है और ये जो है additional beauty add करता है हमारे garden में. इसकी लीव्स आप देखेंगे तो ऐसे लगता है कि मेटालिक सिल्वर कलर का इस पर स्प्लैश किया हो, तो उसी से इसका नाम भी एल्युमिनियम प्लांट रखा गया है. इनको हम हैंगिंग बास्केट्स में भी ग्रो कर सकते हैं या आउटडोर में हम इनको कास्केडिंग ओवर अ वॉल भी कर सकते हैं या एज ग्राउंड कवर भी यूज़ कर सकते हैं, और आप इनको इंडोर्स भी लगा सकते हैं. इस प्लांट को हॉट और ह्यूमिड एनवायरनमेंट बहुत पसंद आता है, तो साउथ इंडिया में ये बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है, या जहाँ पे मॉइस्चर हो वहाँ पे बहुत अच्छे से ग्रो करता है. हमारे नॉर्थ इंडिया में ये स्प्रिंग सीज़न में बहुत अच्छे से लगता है, विंटर में थोड़ा ये डोरमेंसी में चला जाता है और इसकी ब्रांचेस और लीव्स जो हैं वो गिर जाती हैं, तो स्प्रिंग सीज़न में ये रूट्स में से फिर से निकल आता है. तो अगर आपका प्लांट ड्राई हो गया है तो आप उसको एज़ इट इज़ रहने दें पॉट में लगा हुआ, तो आप स्प्रिंग में देखेंगे कि इसके न्यू शूट्स जो हैं वो निकल आएंगे. मेरा प्लांट भी ये दोनों सर्दियों में ख़त्म हो गया था, बट जैसे ही स्प्रिंग सीज़न आया तो इसके न्यू लीव्स अपने आप निकलने शुरू हो गए सॉइल में से. समर मंथ्स की बात करें तो समर में इनको आप पार्शियल शेड में रखें, क्योंकि लीफ बर्न का इसको खतरा रहता है, तो ये शेड लविंग प्लांट है. विंटर में आप इसको जो है ब्राइट एरिया में रख सकते हैं, जो साउथ फेसिंग विंडो हो वहाँ पे. एक्सट्रीम वेदर में आपको इनको या टू हॉट या टू कोल्ड में इसको आपको बचा के रखना है. अगर आप इसको बहुत ब्राइट सन में रख देंगे तो इसके जो लीव्स हैं वो बर्न हो जाएंगे और ये प्लांट जो है वो धीरे धीरे ख़राब हो जाएगा, तो आप इसको बेटर है कि शेड में ही रखें. वाटरिंग की बात करें फ्रेंड्स, तो इसको डिफरेंट वेदर में डिफरेंट टाइप ऑफ वाटरिंग चाहिए होती है, इसकी रिक्वायरमेंट अलग होती है. जैसे कि सर्दी में जो है ये डोरमेंसी में जाता है, तो आप इसको तब कम वाटरिंग दें, उस पॉट में पानी कम दें ताकि इसके जो रूट हैं वो गले ना. और स्प्रिंग सीज़न में आप इसको जब इसकी टॉप सॉइल मॉइस्ट हो तब पानी दीजिए. समर सीज़न में आपको इसकी सॉइल जो है वो मॉइस्ट रखनी है, इसको ड्राई नहीं होने देना. बट कोशिश करें कि पॉट में जो है वो पानी ज़्यादा देर तक स्टैंड ना रहे, जिससे कि रूट रॉट का खतरा बना रह सकता है. सॉइल में फ्रेंड्स इसको सैंडी सॉइल प्रेफर करता है ये प्लांट, और फर्टिलाइज़र में आप इसको जो है काउडंग मैन्योर दे सकते हैं, जिससे कि नाइट्रोजन रिच हो और इसकी लीव्स जो हैं उनका अच्छा कलर निकल के आए. अगर ये छोटे पॉट में आपने लगा रखा है तो इसको फ्रीक्वेंट रिपोर्टिंग की भी ज़रूरत पड़ सकती है, ताकि जो है ये रूट बाउंड ना हो. ह्यूमिडिटी फ्रेंड्स इसको बहुत पसंद है. ड्राई विंटर्स और ड्राई समर्स को ये विथस्टैंड नहीं करता, और ह्यूमिड एनवायरनमेंट हो तो इसको ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है. प्रोपेगेशन की बात करें फ्रेंड्स, तो ये कटिंग से बहुत इजीली प्रोपेगेट कर जाता है. अगर आप इसकी कटिंग लगाते रहें, जो टॉप ब्रांच है उसको काट के आप इसकी लगा दें तो बहुत इजीली प्रोपेगेट कर जाता है. ऑल्सो कटिंग लगाने के फ्रेंड्स 2 फ़ायदे हैं. एक तो अगर आपका प्लांट जो है वो लेगी हो रहा है तो आप उसकी कटिंग ले लेंगे, तो वहाँ से उसका जो न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी उसके नीचे वाले एरिया से, तो आपका प्लांट जो है वो लेगी नहीं रहेगा. और साथ में सेकंड फ़ायदा ये है कि अगर एक ब्रांच है तो आप उसको कट कर देंगे तो वहाँ से 2 ब्रांचेस और निकलेंगी, तो आपका प्लांट जो है वो बुशी होएगा, और जितना ही बुशी होगा उतना ही ये बहुत सुंदर लगेगा और इसकी ब्यूटी एड ऑन होगी. जो कॉमन प्रॉब्लम्स इसमें आती हैं फ्रेंड्स, तो फर्स्ट है इसमें बग्स की प्रॉब्लम आती है, तो आप इंसेक्ट का ध्यान रखें कि इसमें इंसेक्ट्स ना लगें, तो जैसे ही लगें तो आप उसमें जो है नीम ऑयल छिड़क सकते हैं या कोई भी इंसेक्टिसाइड, वो आप देख लें अपने अकॉर्डिंगली। और एक इसमें फ्रेंड्स ब्लाइट की प्रॉब्लम आती है, जिसमें जो है इसका लीफ जो है वो ब्राउन होना शुरू हो जाता है और रॉट करना स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे वो पूरे प्लांट में फैल जाता है। तो बेटर है कि जैसे ही ये प्रॉब्लम आपको दिखाई दे तो आप उसी ब्रांच को वहाँ से कट कर दें। और फ्रेंड्स अगर आप इसके लीव्स को, इस प्लांट को जो है वो एक्सपोज करेंगे डायरेक्ट सनलाइट में तो इसमें सनबर्न होना शुरू हो जाता है और ये येलो हो जाता है। तो बेटर है कि वो लीव्स रिमूव करके आप इसको जो है शेड में रखें। इसकी लीव्स थोड़े से पॉइजनस होते हैं तो आप इनको जो है अपने पेट्स और अपने छोटे बच्चों से इसको दूर रखें। प्रोपेगेशन की बात करें तो ये बहुत इजीली कटिंग से प्रोपेगेट कर जाता है। आपको इसकी जो टॉप शूट है वो एक सिलेक्ट कर लेनी है और उसको कट करके आपको सॉइल में लगाना है। उसके आप नोड्स चेक कर लीजिए। तो मैं आपको एक कटिंग जो है वो काट के और उसको लगा के दिखाती हूँ कि आप कैसे लगा सकते हो। जैसे कि ये ब्रांच है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। इसके नीचे के लीव्स जो हैं वो छोटे आ रहे थे तो उनको मैं रिमूव कर दूँगी और वो एक नोड मेरा जो है वो ओपन हो जाएगा जहाँ से रूट्स निकल सकती हैं। तो ये देखिए इसके एक्स्ट्रा लीव्स जो हैं वो मैं कट कर दूँगी। तो ये मेरा नोड यहाँ से तैयार हो गया। इस नोडल एरिया से जो हैं रूट्स बनेंगे। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। ये जूम कर रहा है कैमरा मेरा, थोड़ा सा फोकस करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ऐसे छोटी सी कटिंग आप ले लीजिए। ज़्यादा बड़ी लेंगे तो उसका मॉइस्चर जो है वो ख़त्म होने का डर रहता है तो हमारी कटिंग जो है वो चलती नहीं है। अब मैं इसको इसी पॉट में ही लगा दूँगी। इसके लिए आप अपने पॉट में होल कर लीजिए किसी टूल की मदद से। जैसे मेरे पास ये पेन है, इसकी हेल्प से मैंने एक होल कर लिया है और इसमें मैं अब ये कटिंग लगा दूंगी और इस नोड को जो है वो सॉइल में दबा दूंगी टाइट से, ताकि उसमें कोई भी एयर ना रहे और ये प्लांट जो है ऐसे ही बस लग जाएगा। बहुत इजी है इसकी कटिंग लगानी। मैं इसके लीव्स भी ट्रिम नहीं कर रही हूँ, नहीं तो जनरली मैं जो है इनके अपर लीव्स भी रिमूव कर देती हूँ या उनको हाफ से कट कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और मैं बाकी जो बड़े प्लांट्स हैं उनसे इस छोटे कटिंग को कवर कर दूँगी कि जो अब ज़्यादा गर्मी हो गई है तो इसको दिक्कत ना करें और ये कटिंग इजीली ग्रो कर सके। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आप अपने घर में इस प्लांट को ला सकते हो और इसको कटिंग से और प्रोपेगेट करके काफ़ी सारे प्लांट्स बना सकते हैं। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है प्लांट। इंडोर भी काफ़ी इजीली ये प्लांट चल जाता है। तो इंडोर प्लांट्स में ये बहुत अच्छी कैटेगरी है लगाने की और बहुत ही सुंदर लगता है छोटे से पॉट्स में लगाने के लिए। पर इंडोर अगर आपने इसको लगाना है तो इसकी प्रॉपर केयर कीजिए। इसकी सॉइल जो है वो मॉइस्ट रहे और ब्राइट एरिया में आप इसको रखें ताकि इसको सनलाइट जो है वो भी मिलती रहे। इसमें वाइट छोटे छोटे फ्लावर्स भी लगते हैं जो कि बहुत सुंदर लगते हैं और फिर थोड़ा हल्का सा सीड भी बनता है। तो फ्रेंड्स आप भी ये प्लांट लाएं, अपने गार्डन को सुंदर बनाएं। थैंक यू फ्रेंड्स। सम पॉइंट्स टू रिमेंबर। सनलाइट. Aluminium plant requires at least 4 hours of indirect but bright sunlight a day. Avoid direct sunlight as too much sun will burn the leaves and cause the green parts to turn brown. Watering. The aluminium plant needs to be watered differently during different times of the year. During spring and summer, the top quarter inch of the soil should be kept moist. During fall and winter, allow the top quarter inch of the soil to dry out before watering again. Soil. This plant prefers a good drainage soil having sandy soil mixture to live in. Combine 1 part clean sand or perlite with 2 parts peat to provide the required soil content for continued health. Humidity. Normal air humidity will please this plant. If your home is overly dry during the winter, mist the leaves every other day with plain water. Propagation. This plant is propagated through cuttings. Take the cuttings in the early spring. Keep the cuttings in a water source for 1 week or until the roots form. Then transplant to their own container of sandy soil mixture. Common problems. Bugs will occasionally eat the green parts of the leaves. Be alert for insects and remove them as needed. Use neem oil or insecticide for this problem. Blight. It's a plant disease which can occasionally set up in a plant. It will usually begin in one leaf, turning it brown and rotten. Remove this stem from the plant to prevent it from spreading to the entire plant. Sunburn. Leaves that have been exposed to too much direct sunlight will sunburn and turn yellow. Trim the sunburned leaves off of the plant and move the plant to a shadier location immediately. That's all from my side, friends. If you like my video, please press the like button and share it with your friends. Also, please subscribe to my channel Nature Desires. Thank you. Have a nice day.